सब हमारे बच्चे हैं, आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। विद्याश्री के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि आपके विकास सर ने बताया, मैं विद्या और आप श्री डॉक्टर श्री भगवान, हम दोनों के नाम को लेकर इन दोनों को संयुक्त करके आपके स्कूल का नामकरण किया गया है विद्याश्री। और मुझे कभी भी अपना नाम इतना सुंदर और आकर्षक नहीं लगा जितना विद्याश्री जोड़कर, श्री के साथ जोड़कर और स्कूल के नाम के रूप में मुझे लगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि विद्या का अर्थ क्या है और श्री का क्या अर्थ है, और ये दोनों यदि मिल जाते हैं तो कितने पूर्ण और सार्थक हो जाते हैं। आज मैं अपने छोटे बच्चों को, जिनको नहीं इसका अर्थ पता है, मैं बताना चाहूँगी कि क्यों हमने ये नाम रखा। केवल इसलिए नहीं कि विकास और विशु मैम के मम्मा पापा का ये नाम है, नहीं, ये नाम अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत सार्थक है। इसके पीछे एक लक्ष्य है कि यदि मनुष्य के जीवन में विद्या और श्री इन दोनों का संयोग हो जाए तो मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्या का अर्थ है ज्ञान, शिक्षा, और इसीलिए हम कहते हैं विद्यार्थी। विद्या अर्थी, विद्या के अर्थ, विद्या के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की चाह लेकर जो विद्यालय में आता है, विद्या का आलेख, ज्ञान का घर, ज्ञान का निवास, ज्ञान का स्कूल। तो इसलिए विद्या का अर्थ हुआ ज्ञान, शिक्षा। लेकिन अगर हम केवल ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं तो वो क्या हो गया, पुस्तकीय ज्ञान, केवल किताबी ज्ञान जो वेद शास्त्र या पुस्तकों में लिखा हुआ है। जब इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में ढालते हैं और वह श्री से युक्त हो जाता है, श्री का क्या होता है, शोभा, सुंदरता, लक्ष्मी, श्रीनाथ, नारायण जी के लिए कहा जाता है श्री लक्ष्मी के स्वामी नारायण। तो श्री जितने भी जीवन की, संसार की जितनी सुंदर वस्तुएं हैं, जितने सद्गुण हैं, जितने सत्कर्म हैं, वो सब इस श्री के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। अर्थात जितने सुंदर गुण, सुंदर गुण कौन से हैं, छोटे छोटे बच्चों को शायद ना पता हो क्या होते हैं सुंदर गुण। किसी को प्रेम करना, चाहे वो देश के प्रति प्रेम है, माता पिता के प्रति प्रेम है, भाई बहन, सहपाठियों के साथ, दोस्तों के साथ प्रेम है, वो बहुत सुंदर है। करुणा, दया, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, कर्मठता किसको बोलते हैं, अपने कर्म, अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, पवित्रता, निष्ठता, संवेदना, सहानुभूति, करुणा, दया, ये सब के सब श्री के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। अर्थात संवेदना, संवेदना क्या होती है, समान वेदना। किसी को यदि वेदना है, तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, और उसको देखकर तुम्हारे मन में भी उसी तरह की अनुभूति होती है, उसी तरह का भाव तुम्हारे मन में जागृत होता है, उसे कहते हैं संवेदना। कोई बच्चा रो रहा है, एकदम गिर गया, चोट लग गई, किसी को कोई तकलीफ हो गई, भागकर हम उसे उठाते हैं, उसके दुख में हम दुखी हो जाते हैं, उसे कहते हैं संवेदना, समान वेदना का अनुभव करना। सहानुभूति, सह अनुभूति, कि जो हम अनुभव कर रहे हैं दूसरा अनुभव कर रहा है, उसके सुख और दुख को समान रूप से उसी तरह से अनुभव करना। तो ये सब जीवन के सुंदर गुण हैं जो कि हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं। और विद्याश्री, विद्यालय का जो मकसद है, उसका उद्देश्य है, उसका जो लक्ष्य है, वो भी हम सबके जीवन को, आप सबके जीवन को विद्या और श्री से युक्त
शिक्षा तो देनी ही है, पढ़ना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी मानवीय गुण हैं, जितनी मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं खड़ी करके शब्द लगे, अर्थात इंसानी जज्बात, मनुष्य को जो महसूस होता है, जो अनुभव होता है, जो सुख दुख की अनुभूति वो करता है, उन सब को अनुभूत करना, अनुभव करना हमारा लक्ष्य है। तो मैं बहुत सरल सीधे शब्दों में आप सब बच्चों को केवल यही समझाना चाहूँगी कि ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से जब हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे खेलना हो, या भोजन करना हो, मस्ती करना हो, गीत संगीत डांस कुछ भी क्यों ना हो, जब उसके प्रति हम पूर्ण ईमानदार होंगे, पूरी निष्ठा से वो काम करेंगे, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो कार्य सफल होगा, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला होगा, हमारे समाज को सुंदर बनाने वाला होगा। और विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य जो है केवल एक इकाई नहीं है, अपने लिए ही नहीं वह जीता, अकेला नहीं रह सकता, और कोई भी इंसान यदि किसी दूसरे के दुख को विचलित नहीं होता है, दूसरे के दुख को देखकर, तो वो कुछ भी हो सकता है लेकिन इंसान नहीं हो सकता। तो इसलिए जैसा कि आपके सिवा सर ने कहा कि हमने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से कार्य करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी, ऐसे हालातों में जहाँ स्कूल भी दूर थे, कोई वाहन नहीं था, कि ऐसी बसें भी नहीं थी, दीदियाँ भी नहीं थी, अभी इतने अच्छे टीचर जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, मम्मी पापा जो पढ़े लिखे हैं, हर समय आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल भी नहीं था, तब भी व्यक्ति जब अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ सकता है, तो आप सब बच्चों को तो घर में भी और आपके स्कूल में भी बहुत अनुकूल परिवेश मिला है, बहुत अच्छे आपके अध्यापक हैं, स्कूल का पूरा परिवेश, पूरा वातावरण, घर में मम्मी पापा सब आपका साथ देने वाले, सहयोग देने वाले, कदम कदम पर आपको दिशा निर्देश करने वाले, गाइड करने वाले हैं। तो केवल आपने क्या करना है कि जो भी काम करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेलना हो, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देना, किताबों का ज्ञान देखकर रट्टा लगाकर परीक्षा में खूब सारे अंक लेना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हम ज्ञान पढ़ते हैं, जो हमारे अध्यापकगण, हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में भी उतारना है, हमें वह सीखना है, डे टू डे, दिन प्रतिदिन का जो जीवन है हमारा, उसमें भी हमें उसे करना है। केवल पुस्तक ज्ञान पढ़ने से, तो तुमने वो पिक्चर देखी है ना, थ्री इडियट, सारे बच्चों ने है, तो केवल तो ऊंचा पद तो हासिल कर सकते हो, लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए तुम्हें संवेदना, मानवीय संवेदनाएं, मानव के जो अच्छे गुण हैं, उन सबको भी अपने जीवन में उतारना है। और हमें पूरा विश्वास है कि विद्याश्री स्कूल के विद्वत विदुषी और विद्वान अध्यापकों के संसर्ग में पूरी तरह से मैनेजमेंट आपका साथ देगी, सहयोग देगी, हमारा एक एक बच्चा जीवन के पथ पर आगे बढ़ेगा, मानवीय संवेदनाओं के साथ, अच्छे गुणों के साथ, सब कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपना कार्य करते हुए। ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, ईमानदारी का मतलब क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, उसका क्या होगा कि पढ़ने के समय